मानसून तीन सिस्टम सक्रिय है और ऐसे में इंदौर उज्जैन संभाग में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि ये वो संभाग है जहां बारिश हो सकती है। प्रदेश के 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, बीते दिनों से बारिश का दौर शुरू हो ही गया है, मॉनसून शुरू हो गया है, आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? देखिए खासतौर से यूपी के दक्षिण पार्ट की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और खासतौर से एक ट्रफ लाइन ईस्ट मध्य प्रदेश से गुजर रही है। यही कारण है कि पूरा मध्य प्रदेश तरबतर होता नजर आ रहा है। करीब 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और खासतौर से हम देख रहे हैं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर लगातार भारी बारिश देखी जा रही है। राजधानी भोपाल में भी हम बात करें तो रुक रुक कर दिन भर से बारिश होती नजर आ रही है। कई जिले ऐसे हैं जो तरबतर हो चुके हैं और करीब 5 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी तक की सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जिसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, अनूपपुर, ये वो जिले हैं जहां पर बड़ी भारी मात्रा में जो है बारिश हुई है। इसके साथ ही सबसे कम जिले वाले जिलों की बात करें तो टीकमगढ़, सतना, रीवा और सिंगरौली, ये वो 5 जिले हैं जहाँ पर कम बारिश हुई है। अभी तक बात करें तो अगले 24 घंटे का जो अनुमान मौसम विभाग का है कि 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर करीब 4 से 6 इंच तक पानी गिर सकता है, तो आप समझ सकते हैं बारिश की डेंसिटी क्या रहेगी। जो और यही कारण है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश होती नजर आ रही है, जो आज भी जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नए साइक्लोनिक सिस्टम और ट्रफ लाइन के चलते मध्य प्रदेश लगातार तरबतर होता जा रहा है और दिल्ली के बाद अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में भी कई जिले ऐसे रहेंगे जहाँ पर भारी बारिश के चलते जल भराव जैसी स्थितियाँ सामने आएगी। बिल्कुल सूरज, और इसी कड़ी में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।